पिछले एक हफ्ते से बैल के मुंह में एक डब्बा फंसा हुआ है और वहाँ पे लोग उसको ना तो पकड़ पा रहे हैं और ना हैंडल कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। उनको मैंने साफ बोला था कि आप 6 दिन से कोशिश कर रहे हो, अभी उसको मत डिस्टर्ब करो बिल्कुल भी, वो फिर भाग जाएगा। लेकिन वो लोगों ने उसको इतना दौड़ाया उस दिन भी, मना करने के बावजूद भी वहाँ पे, और उस वजह से केस और थोड़ा बिगड़ा। एनिमल वेलफेयर का जो फर्स्ट लॉ है ना एनिमल रेस्क्यू का, टू हेल्प द डम एनिमल यू हैव टू डील विद स्टूपिड ह्यूमन। तुमने डार्टगन से पकड़ा है? डार्टगन से इंजेक्शन लगाने के बाद उसको 15-20 मिनट तो लगते हैं। उसका डब्बा निकल गया? तो डब्बा उसके मुंह में फंसा हुआ था नीचे वाले जोब पे। अच्छा, वो कुछ था उसमें ना दही या घी वगैरह और मैगट बोन हो गया तो वो कर दिया। कल भी क्रेजी रहा, वो पपी आए दो जो आप फॉस्टर कर रहे हो। वो एक केस आया नदौन से, वो तो हमने मदर को लिया जो पैरालाइज्ड। नदौन से हमने एक डॉग को रेस्क्यू किया है, एक गाड़ी उसकी पिछले टांगों पे चढ़ गई थी और उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया है। जिन लोगों ने उसके लिए कॉल किया था वो 8 बच्चों को भी साथ में ले आए। स्पाइन टूटी हुई है उसका, हिप जॉइंट, दोनों जॉइंट फ्रैक्चर है बुरी तरीके से। तो इसकी हम पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं। पेन मैनेजमेंट है। तो 8 पपीज थे उनके, वो दो 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 करके आपस में उन्होंने बांट लिए और जो दो थे जो सबसे ज्यादा कमजोर थे वो मेरे पास है अभी, क्योंकि ज्योति मदर एलिसा ऑफ एनिमल्स है। उस टाइम पे ही इस पपी को खनियारा से एक दिन लेकर आया। कुत्ता उछलने आया यहाँ पे, क्यों इसको बेचारा? आप लोग अच्छा पालता है ना इसलिए। जगह हंसती हूँ लेकिन हमारे पास छोटा है ना सर, 15 इतने छोटे और हैं मेरे पास। तो वीडियो मत करना यार, अगर नहीं लेना है तो वीडियो क्या करना है यार, अगर लेना है तो वीडियो ले लो यार। हमने उनको उस टाइम पे भी समझाने की कोशिश की कि हमारे पास अभी ऑलरेडी इतने पपीज हैं, इसकी भी कंडीशन ख़राब है, इसको ज़्यादा बेटर है कि या तो घर में रखो या कोई और जगह आप देखो। फिर भी हम चेकअप कराने के लिए बोला हमने कि आप वेट करिए मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उतने में वो छोड़ के सर, हेलो, आप इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं ऐसे? आप एक बार चेकअप होने का वेट तो करिए। चेक करने से फिर कर लो पहले बेहतर है, इसको बंद कर लो। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। गुरु कह रहा था कि मीडिया की वजह से आप लोगों को प्रेशर आ रहा है, लोग कहते हैं कि भाई आप वीडियो क्यों बनाते हो। फिर अगर ऐसा है तो भाई वीडियो बनाने का तो हमारा जो मुद्दा है वो ये अवेयरनेस है कि भाई जैसे हम हेल्प कर रहे हैं जितनी हो सके आप भी हेल्प करिए। पर हम तो ये कहते हैं ना फिर भी हमारी क्षमता है, मतलब एक कैपेसिटी के बाद, आपकी कैपेसिटी कम हो ज़्यादा हो मीट तो होगी, उस कैपेसिटी के बाद क्या कर सकते हैं। तो पर वही है कि वीडियो देख के एक आइडिया बना लेना ऐसा है कि भाई पेड़ का एक पत्ता देखा और पूरा आइडिया लगा लिया भाई पेड़ ऐसा होगा। तो खैर हम भी ह्यूमंस हैं, हमारी भी कैपेसिटी है। वो बाद में फिर से आए और लंच के बाद वो आए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद उन्होंने ऑफ़र किया कि नहीं मैं समझ गया, मेरे को रियलाइज़ हुआ और मैं वापस लेके चले जाता हूँ। मैंने सोचा कि जब ये चले गए थे और हमने इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर ली तो उन्होंने ये हमें बोला है कि जैसे ही ठीक होगा ना मैं इसको पक्का से यहाँ से खुद लेकर जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ कि भाई आपकी एक ही आस है नॉन प्रॉफिट्स, फिर वो भरे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका सारा जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है हेल्प ना कर पाने की, वो उन पे निकल जाती है। तो इसका ये भूत क्यों बना रखा है आपने? सर हमने इसको नीम ऑयल लगाया था क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ्लीज है और हम इसको आज बाद देने वाले थे लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, फिर हम एक बार उसको नहला देंगे तो उसको स्प्लिंट भी करना होगा, इसके पैर टेढ़े हैं सामने के। तो इसको विटामिन डी की ड्रॉप्स, विटामिन डी इंजेक्शन लगेंगे इसको वीकली वंस एंड उसके अलावा सिरप्स जो मल्टी विटामिन हैं, कैल्शियम और स्प्लिंटिंग। मैंने आपको बताया था ना संजय जी ने हमारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, पर मैं आपको ये तभी दिखा सकता हूँ जब शाइनी और डॉक्टर गुलशन यहाँ पे होंगे। रवीना भी होती तो बेटर था पर वो छुट्टी पे है। तो संजय जी ने हमको सबके लिए टोपियाँ भेजी हैं और बिल्कुल लिख के भेजा है कि कौन सी किसके लिए, डॉक्टर गुलशन, और ये तो ऑफ कोर्स आप गेस कर सकते हैं किसके लिए होगी। शाइनी, थैंक यू संजय जी, वाह उन्होंने नाम भी लिखा है हमारा। रॉबिन भाई, विच इज सो मच बेटर देन रॉबिन सर, एंड शिवानी, ये इसकी ये बात इंडियन आर्मी की एक जो टी शर्ट है ना तो उससे ये इसके साथ मैच करेगी, मैच करेगी। संजय जी हम आपको ये सब लेके फोटो भेजेंगे जरूर। थैंक यू संजय जी। ये बोल हमको रास्ते में दिखा रविंदर जी को, इसके सर में किसी ने बहुत ज्यादा टाइट से रस्सी बांध दी थी जो कि अंदर धस गई थी, मैगेट वॉर्म में क्रिएट हो गया था, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसका जो मुर्क है इसीलिए हमने मुर्क लगा रखा है ना सर, एक तो अभी ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, अभी एक दो दिन ही हुआ है आए, 2-4 दिन में जब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके गले में बांध देंगे, तब तक
कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से मोर्फ लगाना जरूरी है। इसको कैस्ट्रेट करेंगे हम? करना तो चाहिए सर, पहले तो हम करते थे, अब जैसे जैसे यहाँ वेट्स बदलते हैं ना, मुझे अलग अलग जानकारी मिलती है। फिर कोई वेट कहता बड़े को नहीं करना चाहिए, फिर अभी वो जो पीटा वाले वेट आए थे उन्होंने किया था। इसकी जैसे जैसे रिकवरी होगी हम साथ में ये चीज कर देंगे कैस्ट्रेशन का। अब इसमें भी मुझे दो ओपिनियन मिले हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई एक चीज से वो रिकवर कर रहा है, ये भी कर दो, दोनों से इकट्ठे रिकवर हो जाएगा। एक डॉक्टर ऑर्ली थी, वो कह रही थी कि भाई फिर जो बॉडी की एनर्जी है दो जगह डाइवर्ट हो जाती है, पहले एक ट्रॉमा तो ठीक होने दो बिफोर, बिकॉज सर्जरी भी एक ट्रॉमा ही है ना सर। उसके लिए हम ये कर सकते हैं ना, जब हम लास्ट की जो हीलिंग स्टेज होती है ना, एंड के जो डेढ़ दो हफ्ते होते हैं उसमें हम करेंगे ना, है ना, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। और इनको कोई वुंड या सूचरिंग की तो जरूरत है नहीं, इनका जो प्रोसीजर है कैस्ट्रेशन का तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ दिन पेन किलर चलेगा और ये साथ ही में रिकवर हो जाएगा। अभी हम नंदलाल को रिलीज करने जा रहे हैं। ये 5 महीने पहले हमारे पास आया था और इसका पिछला जो पैर है वो टूटा हुआ था और अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। हम थोड़ा टाइम वेट और कर रहे थे रिलीज करने के लिए कुछ दिन पहले, क्योंकि खुर पूरी तरीके से नीचे रख नहीं रही थी, लेकिन अब ये अच्छे से चल पा रही है। इसके जो कॉलर थे उन्होंने गौशाला में बात कर रखी थी इसके लिए, जो कि हमारे पास की गौशाला है सराह में, वहाँ हम इसको अभी छोड़ने जा रहे हैं। ये सनी है, सनी कैमरा लेके तो फार्म में घूम रहे हैं, पर ये हमारे बंदे नहीं है, ये डाउन टू अर्थ से आए हैं। डाउन टू अर्थ एक चैनल है जिसपे ज्यादा आपके अर्बन ऑडियंस है, शहर के लोग ज्यादा देखते हैं, शहर के हैं, फार्मर्स हैं और लाइक और भी लोग हैं। तो हमारे साथ जो ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादा रूरल एरिया से ज्यादा हैं, छोटे शहरों से ज्यादा हैं। तो अब डाउन टू अर्थ जब पीपल फार्म के बारे में बात करेगा तो बड़े बड़े महानगरों के लोग भी हमारे से जुड़ेंगे। मुझे लगता है वो मुझे कम सुनते हैं क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूँ। अभी हिंदी में भी शहरों की रिच बहुत ज्यादा है। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो काम भी इसी तरीके से करता है कि आपके फर्स्ट 24 आवर्स में आपके कितने व्यूज आए, तो लाइक अगर आपके 10,000 प्लस व्यूज आ गए हैं फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर तो आपकी और ज्यादा रीच को वो खुद बढ़ा देगा, पुश कर देगा। और हिंदी वीडियो में मोस्टली ऐसा होता है। तो अगर आप मेरी तरह ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी प्रेमी है तो एल्गोरिथम के लिए सही, रीच के लिए सही, हिंदी में बात करिए। कल हमें कांगड़ा से कॉल आया था एक बैल के लिए जिसको कुछ जंगली कुत्तों ने बहुत ज्यादा इंजर कर दिया हुआ था। उसके शरीर में बहुत सारे हिस्सों में डॉग बाइट्स थे, रेक्टम वाला एरिया भी बुरी तरीके से इंजर्ड था, जो रिब्स थी वो भी पीसेज में बाहर आ रही थी, जो स्पाइनल कॉर्ड था वो भी काफी ज्यादा जख्मी था, और इसके वजह से उसके जो पिछले पैर थे उसमें सेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके लिए अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, हम ये जब तक है हमारे पास हम तब तक इसके लिए सिर्फ पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। बच्चे जो रेस्क्यूज कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है ना, डिंपल दीदी के बच्चों के अलावा भी कुछ बच्चे आए। हाँ, आज कल्पना आंटी का कॉल आया था मॉर्निंग में और वो तो काफ़ी रेस्क्यूज और फॉस्टरिंग करती हैं, लेकिन जो उनके स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी ही जो वैन थी, स्कूल वैन थी, उससे एक दो कैट्स का टक्कर हुआ और वो बच्चे बहुत डर गए थे, बहुत गिल्ट में भी थे ना, उन्होंने तुरंत मैम को फ़ोन किया, उन्होंने हमें कॉल किया, एक कैट तो नहीं बच पाई, वो वहीं पे ही ख़त्म हो गई थी और एक कैट को हम लेकर आए यहाँ पे। हाइंड लेग में इसका सेंसेस है, वेट हल्का बियर कर रही है, अभी हम इसकी फिजियो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी ये बच्चे आते हैं यहाँ पे तो आप उनको कुछ कहते हो कि आपने बड़ा सही किया, कुछ कुछ इनकरेज करने के लिए? आज चिंगारी का हमने सुबह देखा वुंड तो उसने पूरे अपने सूचर्स ओपन कर लिए थे, फिलहाल तो हमने बैंडेजिंग कर दी है और अब हम इसको ओपन वुंड की तरह ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि दोबारा से सूचरिंग उस हिस्से की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर से खुलने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। अब से हम इसका बैंडेजिंग करेंगे और साथ ही में उसके ऊपर एक कपड़ा हमने लगाया है, क्योंकि जिस जगह में वो वुंड है, वो जो ट्यूमर रिमूव हुआ है, वो वहाँ पे बैंडेजिंग करने से वो बैंडेज चलने फिरने के दौरान खुलने के चांसेस हैं। तुम्हारे को मीडिया की वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या कि तुम कह रही थी कि अंदर गंदा था, लोग कैमरे घूम रहे? कल ऐसा था कि राज की छुट्टी थी तो जो बेसिक डॉग्स का काम है, फीडिंग हो या उनका जितना भी एक्स्ट्रा फीडिंग, क्लीनिंग वगैरह, तो वो सारा कुछ भी मैनेज करना था ट्रीटमेंट के साथ, और हमारे आउट पेशेंट वगैरह भी मैनेज करने थे, और मोस्टली लोग रेस्क्यूज और अपने अपने काम में बिजी थे, और उतने में शूट होने लगा ना तो मैं थोड़ा पैनिक कर गई कि तो अंदर थोड़ा मेसी है। गुरु को बोल दे, गुरु तो घर वाली बात है या जो डाउन टू अर्थ से लोग हैं? डाउन टू अर्थ से जो लोग हैं वो लोग शूट कर रहे थे ना और मैं बिजी थी, तो फिर मैंने बोला कि अभी मैं जो हो रहा है उसको होने देती हूँ करके। पिछले एक हफ्ते में मुझे 3 लोगों ने सेपरेटली बताया कि वीडियो से इंस्पायर होके उनकी लाइफ बदल गई। पहले तो गरिमा जिन्होंने ये देहरादून वाला केस नहीं करवाया था, जो शराब पिला रहे लड़कों को पकड़वाया, उसने बताया कि उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, उसने वीडियो देखा उसकी सारी लाइफ बदल गई। पहले तो मुझे लगा वो ब्लेम कर रही है मुझे, पर नहीं, लाइक शी वाज लाइक कि यार अब उसने अपना रेस्क्यू कराया
शुरू हुआ वो पैरावेट हायर करने लगी। फिर नोएडा में एक और रेस्क्यू शुरू हो रहा है, उनसे मेरी कल बात हुई, उन्होंने इनॉग्रेशन पर बुलाया था, वो तो नहीं जा सकता, उन्होंने वो भी वीडियो से इंस्पायर हुए हैं। देन एक डॉक्टर साहब उनकी मिसेज यहाँ पर आई थी, नॉर्मल वो मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, आज उनके पास 6 बिल्लियाँ हैं जिनसे वो इतना प्यार करते हैं कि जब वो अपना वेटनरी मेडिकल स्कूल ख़त्म करके घर गए हैं तो बिल्लियों को ट्रेन की बोगी में ले गए हैं, केज तक में नहीं रखते, लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन 6 अडॉप्टेड। ये बरखा है, ये हमारे पास 3 महीने पहले आई थी, इसको किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट चली थी कुछ 1.5 महीना, इसकी ब्लड थेरेपी चली थी रेगुलर। ये इन्फेक्शन इसको अभी फिर से हुआ है तो हमने इसको वापस शिफ्ट किया है यहाँ पे, और हमने तुरंत इसकी ब्लड टेस्ट करवा ली थी क्योंकि हम डाउटफुल थे कि भाई इसको वो प्रॉब्लम किडनी वाला फिर से हो सकता है, तो वो सही भी निकला, इसका क्रिएटिनिन फिर से बढ़ चुका है और अब इसकी फिर से ट्रीटमेंट चलेगी कुछ 1.5-2 महीना। आई होप यू फिर एक बार अच्छे से ठीक होकर जाए। जिस पपी को हमने गगल से रेस्क्यू किया था, जब उसे रेस्क्यू किया था उसके शोल्डर में एक बहुत ज़्यादा डीप वुंड था, हमने नेक्स्ट डे सूचरिंग कर दी थी लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके सूचर्स ओपन हो गए और अब हम उसे ओपन वुंड की तरह ट्रीट करने वाले हैं। पपी थोड़ा सा इनएक्टिव भी है इसलिए हमने उसे आइसोलेशन में रखा हुआ है, अगले 15 दिन हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। टोटल कितने एनिमल आपने इकट्ठे कर लिए? 25 तो रेजिडेंट ही है सारे मुर्गे मिला के। और आपके रेस्क्यूज इस समय कितने हैं? 29 डॉग्स हैं हमारे पास, है ना, अडॉप्टेबल्स के अलावा। अडॉप्टेबल्स में कितने? अडॉप्टेबल्स में अराउंड अभी है हमारे पास 7, 6 की जगह है लेकिन हम 7 रख रहे हैं वहाँ पे। 7 अडॉप्टेबल कुत्ते, 29 ये रेस्क्यूज जो हैं ये सिर्फ डॉग्स हैं, हाँ। 25 हमारे अडॉप्टेड गाय बैल कुत्ते घोड़े खच्चर बकरे भेड़ भैंसा मुर्गे एंड उसके अलावा जो काव 8 गाय बैल रेस्क्यू है। अब इसका जमा आप कर लो खुद ही। जो मैं डॉग लेके आया हूँ उस दिन, जो मैं सोच रहा हूँ मैंने बड़ा सही रेस्क्यू किया है वो यहीं की रिलीज थी चटोरी। हाँ, चटोरी जिस मैंने आपको बताया था स्पेस हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत पपी केसेस आ रहे हैं अभी तो इस वजह से मेरे को रिलीज करना पड़ा था। मुझे जब दिखी सड़क पे ऐसे भाग रही थी पैदल एकदम जैसे कि भाई और एक्सीडेंट हो जाता उसका, आज से यहीं पे एडजस्ट हो गया। हाँ, आज उसको इंट्रोड्यूस कराना है स्पॉट और चम्बी से एक बार अच्छे से। ज़ेब्रा को हमने द्रमन से रेस्क्यू किया था और इसके जो सामने वाले पैर में काफी ज्यादा वुंड थे एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और हमको इसको रिलीज करना पड़ रहा है। अभी हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं बन पा रही है क्योंकि जो और केसेस आ रहे हैं पपीज़ के वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ के हैं, इस वजह से हमको इसको रिलीज़ करना पड़ रहा है। ये पपी को शाहपुर से कोई लेके आए थे, उनके सामने ही उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके टंग में कट होने के वजह से उसको काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, उसकी वजह से वो वीक भी था और हमें बाद में पता चला कि वो एनीमिक भी है। फिलहाल वो खाना खुद से कम्प्लीटली खा नहीं पा रहा है इसलिए हम उसे सिरिंज फीड कर रहे हैं और उसे सपोर्टिव थेरेपी पे रख रहे हैं, तो आगे देखेंगे कि उसकी कैसे रिकवरी हो रही है। अभी पॉइजनिंग के केसेस इतने आ रहे हैं और पारवो के केसेस इतने आ रहे हैं, हालांकि हमारा पॉलिसी यही है कि हम पारवो यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो इन पेशेंट्स हैं उनकी रिस्क हो जाएगी, लेकिन मोस्टली क्या है जब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। पॉइजनिंग केसेस में आप क्या कर रहे हैं? पॉइजनिंग केसेस में हम फ्लूइड थेरेपी करते हैं, एनएस लगाते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल का मैं बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपके डॉग ने कुछ पॉइजनस कंज्यूम कर लिया, जैसे कई भाई तो घर में कोई उसने भाई कुछ छिपकली खा ली या कुछ रैट पॉइजन खा लिया, वैसे तो रैट पॉइजन आपको डालना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ खा लिया, कई बार पड़ोसी जहर देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं है, आप बर्नट टोस्ट मतलब ब्रेड जला के टोस्ट एकदम काला करके वो भी दे सकते हैं, वो भी टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा, मतलब ये देसी जुगाड़ इमरजेंसी में। जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूँ ये तो हमारा वो खेत है जिससे हमारी किचन की सब्जी आती है, पर प्रतीक और हर्ष ने एक अपना ऑर्गेनिक फार्म प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे हम इनक्यूबेट कर रहे हैं, यानी कि भाई हम उनका रहना खाना कवर कर रहे हैं, लैंड का रेंट वगैरह हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखना चाहते हैं, तो आप raveena@peoplefarm.org पे ईमेल करिए या आप सीधा हमारी ऑफिस लाइन पे फ़ोन कर सकते हैं 9999429144, वहाँ आपको अनिरुद्ध मिलेंगे, आप बताइए कि आप वॉलंटियर करना चाहते हैं और झटपट आ जाइए। हम लोगों को कॉल आई थी गाय के लिए पालमपुर से, इसके पिछले पैर में खुर में काफी बड़ा एक वुंड है, कोई छोड़ गया था इसको वहाँ पे, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं ना वेटनरी का, उनको दिखाया था, उनको ट्रीटमेंट की है इसकी, बट वो ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही थी। शू नहीं पहन रखा सर, उसको शू से बहुत इरिटेशन हो रही है ना, इस वजह से आज हमने निकाला है, जब हम इसको अंदर रखेंगे या कोई इशू नजर आएगा तो हम इसको पहना देंगे। जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक ठीक है। हमें ना लोग कहते हैं आप इस बारे में वीडियो बनाओ उस बारे में वीडियो बनाओ, ये टॉपिक इसके बारे में बात करनी जरूरी है,
पर एक चीज़ जो हमें बहुत ध्यान देनी होती है ना कि हमें चीज़ें इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है। हम और नॉन प्रॉफिट से कम्पीट नहीं कर रहे, नॉन प्रॉफिट्स के साथ तो हम कोलैबोरेट करते हैं, भाई आप भी हेल्प कर रहे हो हम भी हेल्प कर रहे हैं, हम कम्पीट कर रहे हैं हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ, हर कोई जो एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि जिन मुद्दों के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि भाई जानवरों को भी दर्द होता है, इन्हें भी भूख लगती है, उस मुद्दे के बारे में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन खोज नहीं रहा, तो हमें उनकी अटेंशन अट्रैक्ट करनी होती है और उन्हें अवेयरनेस देनी पड़ती है, वो ढूंढ नहीं रहे थे उसको, तो इसलिए हमें हर चीज़ इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है। कई बार दुर्भाग्यवश हमें सेंसेशनलाइज भी करनी पड़ती है चीज़ें, जैसे अभी हमारा आप देखेंगे जो बंदर वाला वीडियो था उसको हमने थोड़ा ऐसा सा बनाया था, सेंसेशनल था, शुभम का आइडिया था और मैं फेवर में नहीं था, मैंने कहा कि आई डोंट नो ये पीपल फार्म वाला वो नहीं है, फील नहीं है, बट हाय अश्विन, बट करोड़ों लोगों तक पहुंचा, वो हमारे आज तक का नंबर 2 पॉपुलर वीडियो है। तो मैं तो ये कहूँगा आज की दुनिया में अटेंशन करेंसी है, आप नॉन प्रॉफिट्स को डोनेट करें या ना करें, जो वो कहानियाँ बता रहे हैं उसको अपनी अटेंशन ज़रूर दीजिए और उनको शेयर करिए ताकि वो और लोगों तक पहुँचे। जो मंकी हमारे पास पालमपुर से आया था, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, वो पहले तो रिकवर कर रहा था अच्छे से, हम उसकी फ्रूट थेरेपी वगैरह की थी, तो वो थोड़ा थोड़ा खाने भी लग पड़ा था, फिर उसने कुछ दिनों बाद अपने आप को सेल्फ हार्म करना शुरू कर दिया। सेल्फ हार्म करने में उसने जख्म किए, अपनी नर्व्स को भी डैमेज किया, तो हमने उसका फिर भी ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश की, हमने उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स पर रखा, सपोर्टिव थेरेपी पर रखा, पर फिर भी हम उसको नहीं बचा पाए। फाइनली टोस्ट अडॉप्ट हो गई है और धर्मशाला से कर्मा जी इसे लेने आए हैं, आई होप ये इस बार मिसबिहेव ना करे क्योंकि है तो बहुत शैतान। मैंने हाल ही में एक कोट सुना कि भाई जो सपना आप अकेले देखते हैं ना वो सिर्फ सपना ही रह जाता है, पर जो सपना आप औरों के साथ देखते हैं वो हकीकत में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनका सपना आप वाला ही है, जो जानवरों की मदद करना चाहते हैं, तो आप जाइए peoplefarm.org/HHA पे, वहाँ पे अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट डालिए और आपको जो भी निकटतम व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो निकल आएगा, उस ग्रुप में वो लोग जुड़े हुए हैं जो आप ही के एरिया में हैं और जानवरों की मदद करना चाहते हैं, तो उनके साथ जुड़िए और अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय।